अब जो है ज़कात कौन देंगे, तो जो बताए गए मियार से ऊपर लोग हैं वो देंगे ज़कात, उनको देनी है ज़कात। किसे देंगे? जो बताए गए मियार से नीचे है उनको देंगे, तो उस कैटेगरी से नीचे आते हैं तो उनको दे देंगे। अब ये है कि जिनको मिलनी चाहिए थी हो तो ये रहा है, ये तो मियार हमको बताया गया, लेकिन हो क्या रहा है? हो तो ये रहा है कि जिसको मिलनी चाहिए थी ज़कात उससे ज़कात ली जा रही है। ये भी एक मसला है कि जिसको ज़कात दी जानी थी उससे ज़कात ली जा रही है, क्योंकि उनको ऐसे मसाइल बताए गए, उनको ऐसे मसले बताए गए कि वो बेचारे गरीब आदमी जिन पर ज़कात बन भी नहीं रही, पर ऐसे मसले बताए उनको कि वो ज़कात दे रहे, थोड़ी दे रहे, बन भी बहुत थोड़ी रही है तो भी वो दे रहे बेचारे, देते जा रहे हैं वो ज़कात। अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर के अंदर 7.5 तोले पर की कीमत और 52.5 तोला चांदी की कीमत बराबर थी अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर के अंदर। सोना और चांदी दोनों बराबरी की कैटेगरी में था, यानी एक जैसा दोनों का कीमत थी, रेट था उसका उस वक्त के दौर के अंदर, सोना और चांदी बराबर के रेट में हुआ करता था। तो ज़कात भी फिर वैसी उन पर बराबर थी सोने और चांदी के ऊपर, और इसलिए अलग और भी कई मसाइल, जैसे किसी के पास 5 ऊँट है तो उस पर ज़कात, 40 बकरियाँ हैं तो उस पर ज़कात, ये भी था उस वक्त। लेकिन ये उसकी कीमत पर 2.5% देना था, या फिर बाद में कुछ उल्मान वसूल निकाले, नहीं इसके ऊपर जो है जानवर भी दिया जाएगा, भाई इतना जानवर तो इतना 2.5% इतना बन रहा है तो इसके जो है जानवर दे दिया जाए इसके बदले में, वो भी जो है मसले उसमें आए गए। तो औसत दनवे दर, और आज भी अगर उस 5 ऊँट औसत दर्जे के, 40 बकरियाँ औसत दर्जे की, इतनी ही कीमत बनेगी जितनी 7.5 तोले सोने की कीमत बन रही आज भी को हुई, और ये अभी तक इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, कई सालों से यही चलता आ रहा है। जितना सोने का रेट रहा इतने जानवर की कीमत आज भी इतनी रही, एवरेज जो जानवर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो बात अलग, लेकिन जो एवरेज जानवर होते हैं उनकी कीमत जो है यही रही है। लेकिन अब जो इनमें जो फ़र्क जो आया है, उस वक्त में जो 7.5 तोले के अंदर 5 ऊँट आते थे, आज भी 7.5 तोले की कीमत में 5 ऊँट एवरेज आपको मिल जाएंगे। उस वक्त इतनी बकरियाँ मिलती थी 7.5 तोले के अंदर, तो 7.5 तोले के अंदर आज भी इतनी कीमत में आपको 40 बकरियाँ मिल जाएंगी, ये आज भी। लेकिन अब क्या हो गया कि इसके अंदर चांदी जो थी, ये चांदी का मियार गिर गया, चांदी की वैल्यू ख़त्म हो गई, ये वैल्यू लेस हो गई, चांदी के अंदर नहीं हो रही। तो उस वक्त ही अब वो चांदी और सोना उस वक्त की करेंसी था, चांदी और सोना उस वक्त की करेंसी था, तो अब क्या है कि वो करेंसी की जगह हमारे पास में कागज़ के नोटों ने ले ली। उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे पास में इतने सिक्के हैं तो इतने सिक्के पर इतने सिक्के तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। अब हमारे पास में वो हट गए और हमारे पास में कागज़ आ गए, वो कागज़ का बेस भी हमारे पास में सोना है, उसी के बदले ये नोट छपते हैं तो है। तो ये बैंकों के अंदर जो है आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड के जरिए ही हमको पैसा मार्केट में लाता है। अब चांदी नहीं है, सोना ही स्टैंडर्ड आज पूरी दुनिया के अंदर, चांदी का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा कीमत के लिए, ये वैल्यू लेस हो गई है। तो आज जो सोने की कीमत है तकरीबन 7.5 तोले की कीमत जो है आज अंदाज से अपन लगाएं तो 2,55,000 रुपये ये है। चांदी की कीमत जो 52.5 तोला उसकी कीमत अपन ले लें उसको तो 25,000 रुपये बन रही है। तो ये सोने के मुकाबले में 10% कम है, लेकिन जिसके पास में अगर 7 तोला सोना है, 7.5 तोला सोना है, तो क्या करेगा? ज़कात देगा, वो पावर्टी लाइन से ऊपर चला गया, गरीबी रेखा से। 7 तोला है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है, वो नहीं देगा। अब मसला यहाँ पर है कि अब किसी के पास में 60 तोला चांदी है, 52.5 तोला, 55 तोला उसके पास चांदी है, अब उसकी कीमत बन रही 25,000 रुपये, जो इससे 10 गुना कम है, लेकिन अब उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें ज़कात देनी है। जिसके पास 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख रुपये तकरीबन है, 2 लाख रुपये है, समझ लो 7 तोला है उसके पास, तो उसको बोले कि नहीं तुम गरीब हो। और जो आदमी के पास में सिर्फ 55 तोले हैं, चांदी है, वो जिसकी कीमत जो है 24-25,000 रुपये, बोले तुम अमीर हो, तुम ज़कात दो। अब ये जो है फितरत के भी खिलाफ है। अब इस्लाम के ऐसा वसूल बना सकता है? इस्लाम का ऐसा वसूल नहीं। हाँ, कुछ अल्लाह के रसूल सल्लम ने उस वक्त कहा कि वो अल्लाह के, क्योंकि दोनों का मियार एक जैसा, तो दोनों की कीमत एक जैसी थी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा था कि जो है सोने पर इतनी और चांदी पर इतनी दी जाएगी,
तो उस वक्त उसकी वैल्यू इतनी थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत अंतर आ गया है, 10% का गिरावट है चांदी के अंदर, उसकी वैल्यू खत्म हो गई चांदी की, इतनी तादाद में लोगों के पास में चांदी निकली बाद में तो उसकी कीमत घट गई, तो सोना आज मियार है। तो फिर ये है कि अब इसके अंदर जो है तो उससे किया जाएगा, उससे वे वसूल, तो हमको वसूल तो वही लेने पड़ेंगे कितना देना है, लेकिन कीमत का अंदाजा अब सोने से लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसको देनी पड़ेगी। अब ये उनसे वसूला जा रहा है, जो बेचारे खुद लेने वाले हैं इनको दिया जाए, और एक आदमी 2 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ और बोला है मैं तो गरीब हूँ मुझे तो दो, और एक आदमी बेचारा गरीब है तो उससे बोले कि इससे तो लो 25,000 रुपये, चलो दो तुम 2.5% दो। अब हो सकता है कि उन्हीं से वसूला जा रहा हो, इसकी वजह से तो लोगों की गुर्बत दूर नहीं रहे, वो गरीब ही गरीब को दे रहा होगा तो क्या मिलेगा उसके, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये हो रहा है, और ये बात अगर हम किसी गैर मुस्लिम को भी बताएं ना कि देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जिसके पास 2 लाख है तो वो तो जकात नहीं देगा, और जिसके पास 25,000 है वो जकात देगा, उसको देना पड़ेगा 2.5%, और ये तो गरीब है और ये अमीर है इसको देना पड़ेगा, तो वो भी कहेगा बड़ा अच्छा लाए तुम यार, बड़ी उसकी बात है, क्योंकि ये तो हमको समझने की जरूरत है। इस्लाम ने आपको उसूल दिया है तो उसूल के तहत आप काम करें, आज के दौर के हिसाब से करें कि आप उसी दौर को लेके बैठ रहेंगे, उसकी कीमत ही खत्म हो गई चांदी, तो ये मियार बनाना पड़ेगा सोने का जो है उसके हिसाब से देना पड़ेगा।